सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र चुनाव में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र की एक पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। इस पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना शहीद आजम सरदार भगत सिंह से की है। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई अभी अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद हैं। उसे ये ऑफर उत्तर भारतीय विकास सेना यानी UBVS ने दिया है। पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने इसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई को एक लेटर भी लिखा। UBVS के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने अपने बयान में कहा कि मुंबई विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उत्तर भारतीय विकास सेना के 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई की मंजूरी के बाद 50 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम लॉरेंस बिश्नोई में शहीद भगत सिंह देखते हैं और उन्होंने लॉरेंस को लिखे लेटर में कहा कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, जो देश में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। मुंबई पुलिस भी इसको लेकर जांच कर रही है। वहीं लॉरेंस के गुर्गे ने बाबा सिद्दीकी की मर्डर की जिम्मेदारी ली है।